नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि DRT में केस पेंडिंग रहने के दौरान आपका जो आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर आपने किसी बैंक से सिक्योर लोन ले लिया और आपके द्वारा केस फाइल किया गया या बैंक के द्वारा केस फाइल किया गया DRT में, और उसके बाद आप देखते हैं कि जितने दिन DRT में केसेस चलते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो लोन है वह बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोन की वैल्यू होती है वो बढ़ने लगती है या बढ़ती रहती है समय के हिसाब से, जिस तरीके से घड़ी की सुई टिक 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 2400 घंटा चलती रहती है, उसी तरीके से आपका भी जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ता रहता है। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बोरोअर का होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कि इस बारे में नहीं पता होता है। अब मान के चलिए कि आपने केस फाइल नहीं किया, आपकी गलती नहीं है, आपने डिफ़ॉल्ट हो गए आप कोविड के वजह से या किसी भी मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या मेडिकल इश्यूज की वजह से, घर में कोई बीमार है और बैंक ने सेक्शन 19 में OA दाखिल कर दिया, ओरिजिनल एप्लीकेशन। अब आपके पास समन्स आ गए और आपने इसमें अपना एडवोकेट करके इस केस को मजबूरी बस इसमें आप फाइट किए, क्योंकि बैंक ने केस फाइल किया है तो अब इसमें आपको जवाब तो लगाना होगा। लेकिन DRT की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें काफ़ी लेट होता है, जैसे सिविल कोर्ट्स होते हैं उसी तरीके से DRT में भी केसेस चलते हैं, लंबे चलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। बहुत लोग कहते हैं कि सर DRT में कितने दिन तक केस चलता है, तो कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा बोरोअर का होता है। जितना लंबा केस चलेगा बोरोअर का बजट उतना ही बढ़ेगा। बोरोअर एक तो कोर्ट फीस दे रहा है, दूसरा वो एडवोकेट की फीस दे रहा है, तीसरा इसमें क्या है कि उसकी आउटस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, तो वो तो चारों तरफ से उसके ऊपर मार पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहेंगे तो एक एप्लीकेशन आप PO यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको आप दे दीजिए कि सर जब तक हमारा केस चले हमारे पैनल इंटरेस्ट पे रोक लग जाए। देखिए इसमें क्या है कि केस कितने दिन में डिसाइड होगा ये तो कोई नहीं जानता। मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल अगर केस चल जाए तो जो लोन की वैल्यू आज आपकी है वो आगे बढ़ करके 2 से 3 गुना हो जाएगा। अगर 20 लाख का मैटर है तो मान के चलिए कि जब तक केस डिसाइड होगा वो आपका 35-36 लाख रुपए बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 15-16 लाख रुपए है ये आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। एक तो आप एडवोकेट की भी फीस दे रहे हैं, दूसरा कोर्ट फीस भी दे रहे हैं, और तीसरा ये जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर के ये आपको ही भुगतान करना है, ये आपके ऊपर ही आने वाली है। तो इस लाइबिलिटी से बचने के लिए आप चाहेंगे तो मर्सी ग्राउंड पे एक एप्लीकेशन फाइल करके आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये दे सकते हैं। अब ये उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो बैंक से कहें कि इनके ऊपर पैनल चार्जेस न लगाएं जिसकी वजह से इनका जो लोन वैल्यू है वह आगे न बढ़े। तो आप अपने केस में इसको ज़रूर करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने DRT केस में लोन जब आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है और केस फाइल हो जाता है और आप इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन फाइल करके उसको रुकवा सकते हैं, ये आपके लिए एक राहत भरी बात हो सकती है। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको भी DRT लोन संबंधित किसी भी मामले में, हाई कोर्ट हो चाहे DRT हो या किसी प्रकार से लोन के रिगार्डिंग आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।